भारत के सबसे करीबी दोस्त रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे अमेरिका तो परेशान है ही, लेकिन भारत के लिए भी अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कई बार बोली है कि किसी भी देश का सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक शक्ति होना आज की 21वीं शताब्दी में काफी अहम है, और आर्थिक शक्ति के बिना सैन्य शक्ति होना भी किसी काम का नहीं है। ये चीज साबित कर दी है आज दुनिया के सबसे पावरफुल माने जाने वाले शख्स व्लादिमीर पुतिन ने। 1991 में कोल्ड वार के बाद जब सोवियत संघ से 15 देश अलग हो गए, रशिया को अभी संभलने का मौका मिला ही नहीं था कि रशिया पर अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाकर रशिया की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। अमेरिका रशिया से इतना डरता था कि उसने कभी भी रशिया से डायरेक्ट पंगा लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली सोवियत संघ को तोड़ा और उसके बाद रशिया की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया, जिसका असर कभी ना कभी तो देखने को जरूर मिलता। और आज के समय में यही स्ट्रेटेजी अमेरिका क्वाड देशों के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ अपना रहा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के लिए राह आसान बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि रास्ते में आकर खड़े हो गए पुतिन। सोवियत संघ जब टूटने की कगार पर खड़ा था और उसके टूटने के बाद जब रशिया अलग हो गया, चाइना ने आर्थिक रूप से रशिया की मदद कभी नहीं की, लेकिन अब जब खतरा चाइना पर आता दिखाई दे रहा है तो रशिया की तरफ से पॉजिटिव संदेश देखने को मिल रहे हैं, जिसके लिए रशिया कहीं ना कहीं मजबूर भी है। रशिया की अर्थव्यवस्था करीब $1.7 ट्रिलियन की है और ये दुनिया के टॉप 10 देशों में भी नहीं आती। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था करीब $3 ट्रिलियन, चाइना की $15 ट्रिलियन और अमेरिका के करीब $22 ट्रिलियन है। इस चीज की वजह से अब रशिया के पास नए हथियारों की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे में रशिया के पास बाकी देशों के साथ हथियारों की ज्वाइंट डेवलपमेंट के अलावा एक ही ऑप्शन है, चाइना का सहारा लेना, जो कि इस समय आर्थिक शक्ति है। और इस चीज के संकेत रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दे भी दिए हैं कि जरूरत पड़ेगी तो रशिया चाइना की सैन्य रूप से मदद भी करेगा। दरअसल मॉस्को के एक बड़े थिंक टैंक वाल्डाई डिस्कशन क्लब की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रशिया और चाइना के बीच काफी करीबी सैन्य, आर्थिक और डिप्लोमेटिक संबंध है। दोनों ही देश एक साथ कई सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेते हैं और रशिया अपने सबसे हाईटेक हथियार भी चाइना को देता है, वो भी कई बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ऐसे में दोनों देशों के संबंध इतने करीबी हैं और दोनों देशों में इतना भरोसा है कि नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, भविष्य में रशिया और चाइना के बीच ऐसी अलायंस बनना संभव है। नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस का मतलब साफ है कि दोनों देश युद्ध के समय एक दूसरे के बचाव के लिए आएंगे। अब ये भारत के लिए बुरी खबर इसलिए है क्योंकि इस समय भारत और चाइना के बीच में तनाव की स्थिति है। ऐसे में इस समय ऐसा बयान आना जो चाइना के पक्ष में हो, वो भी किसी ऑफिशियल के मुंह से नहीं बल्कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुंह से। रशिया और चाइना के बीच अगर नाटो की तरह मिलिट्री अलायंस बन गया तो फिर रशिया चाहते हुए भी भारत का उस तरीके से समर्थन कभी नहीं कर सकेगा जैसे वो आज हथियार सप्लाई करके कर रहा है। वैसे भारत से संबंधों की बात करें तो ये रिश्ते दशकों पुराने हैं और रशिया ही वो अकेला देश था जो भारत के लिए चाइना समेत पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था। ऐसे में मेरा मानना है कि रशिया से हथियार खरीदो या न खरीदो, लेकिन रशिया की अर्थव्यवस्था में निवेश करके रशिया की आर्थिक रूप से मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला रशिया कभी भी भारत के पक्ष में नहीं होगा और उसको हमेशा मजबूरी में चाइना के साथ जाना ही पड़ेगा। वैसे ये मेरी राय थी। आपको क्या लगता है कि इन बिगड़ते हालातों में भारत और रशिया की दोस्ती कब तक टिक पाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।